तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अर्ची टेलर चैनल में। दोस्तों मैं आज आपको सिंगल नोक का तीरा काट कर इस वीडियो में दिखाऊंगा और साइज है इसका 18 इंच। तो चलिए दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों पहले ये फंटी की मदद से एक ये सीधा निशान लगा लेंगे। और दोस्तों अब 2.25 इंच कंधी का निशान लगा देंगे। जी हमारी कंधी का निशान है 18 इंच, इसकी लंबाई है। अब प्लस आधा इंच मार्जिन 9.5 इंच पर निशान लगा देंगे। और इसका कॉलर जो है वो है 15 इंच, तो 15 इंच का पांचवा भाग रख देंगे ऊपर की साइड में। और 2 इंच इसकी गहराई रख देंगे। अब इस तरीके से गुलाई दे देंगे। दोस्तों नीचे के साइड में भी 9.5 इंच पर निशान लगा देते हैं। अब ये दोस्तों कंधी का निशान लगा देते हैं। इस निशान पर रखेंगे, इस निशान पर रखेंगे। यहाँ पर दोस्तों रखेंगे 5.25 इंच पर निशान लगा देंगे। और यहाँ पर 4 इंच पर। यहाँ पर जो है 9.5 इंच है, नीचे के साइड में 9.25 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि हल्का सा जो है तीरा क्रॉस होता है। अब सेफ पॉइंटिंग की मदद से इस तरीके से हल्का सा शेप दे देंगे। अब दोस्तों इसको कट कर लेते हैं, उसके बाद इसकी नोक मैं आपको काट कर दिखाऊंगा। अब यहाँ पर जो है एक कुटका मार देते हैं। अब इस साइड से 5.5 इंच पर निशान लगा देंगे। अब इस सेफ फंटी की मदद से, ये गहरी सेफ फंटी होना चाहिए, हल्की वाली नहीं, ये गहरी इस तरीके से होना चाहिए सेफ फंटी। अब ये एक अब इस निशान पर रखेंगे और इस निशान पर रखेंगे इस तरीके से फंटी को, फिर निशान लगा देंगे। अब यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर रखेंगे इस तरीके से, अब निशान लगा देंगे। अब दोस्तों इसको कट कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी हमारा तीरा जो है वो कट चुका है। इस तरीके से आप सिंगल नोक का डिजाइनदार तीरा काट सकते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।